नमस्कार जी, कैसे हैं आप? आप मेरा नाम अंकित है और मैं भी फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ। मैं आपसे आज एक वाक्य बताना आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, एक मेरे मित्र के बारे में, जो आज से करीब 4 या 5 6 साल पहले की बात है। हाँ, तो उस टाइम उनकी उम्र हुआ करती थी 20 वर्ष, 20 ईयर्स। उनको डॉक्टर ने डायग्नोज किया था किडनी डिसफंक्शन का और लीवर सिरोसिस का, एक इनिशियल स्टेज उनको स्टार्ट हुआ था। सो डॉक्टर ने ही वाज बहुत उनको शॉक लगा इस बात से कि वो केवल 20 साल का था। जो मेरा दोस्त है वो ही वाज 20 दैट टाइम, सिर्फ 20 साल की उम्र का। तो जब उसका रिजल्ट सामने आया, जब डॉक्टर ने उसको उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ी, तो उसमें तो फिर उन्होंने देखा तो जो जो कंडीशंस थी, जो जो हेल्थ कंडीशंस थी, स्प्लीन की डिटेरियरेशन, स्प्लीन जो एक ऑर्गन होता है हमारे शरीर में, वो पैनक्रियास, लीवर, स्टमक में इंटेस्टाइन डैमेज, किडनी में प्रॉब्लम और ब्रेन में इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स, तो वो सब देख के डॉक्टर बड़ा ही वॉज वेरी शॉक्ड। तो उनसे पूछा गया कि आप ये कैसे, तो ही वही था कि वो घर पे नहीं बताने की बात, वो उन्होंने अपने घर पे नहीं जिक्र किया था इस चीज़ का कि मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा हूँ, इस चीज़ का सेवन करता हूँ। कारण ये था कि उनके जो पिताजी थे वो उन्हें भी डायग्नोस हुआ था लीवर का सिरोसिस, एग्जैक्ट मतलब जो लीवर खराब कर, जो गुर्दे फेल होना जो हमारी देसी भाषा में बोला जाता है, वो सब चीज़ें उनको डायग्नोस हुआ था। जो आम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो गुर्दे फेल हो गए उसके, या किसी आदमी की मृत्यु कैसे हुई, भैया गुर्दे फेल हो गए, बहुत शराब पिया करते थे, बड़े शौकीन आदमी थे तो वो चले गए, तो वैसे ही हुआ था वो। तो एंड उसके लिए, उनके फादर के लिए बड़ी शौक की बात थी, मतलब ही वॉज शॉक्ड कि मेरा बेटा भी अगर मेरे साथ ही चला जाए, मुझसे पहले ही चला जाए, तो इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर हिम ऑल्सो। डॉक्टर ने बोला, उन्हें बताया कि देखिए, अगर आप दोबारा, अगर आपने सिंगल एक बूंद भी अगर शराब के अंदर ली, तो योर डेथ इज़ डेफिनेट, आप ज़रूर इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। उस टाइम मेरे दोस्त की उम्र 20 साल थी। 20 साल के होने में और ये हेल्थ कंडीशन आने में कितने समय लगा, कितना कितने साल का अंतराल लगा? केवल 3 साल का। वो 17 साल का था जब से वो पीने लगा था, शराब पीनी स्टार्ट की थी ऐसे ही बस यारी दोस्ती में बैठ के, कि चलिए आज शनिवार है, आज त्यौहार है, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, ये सब चीज़ें करके वो हाथ से बढ़ती चली गई, चीज़ें निकलती चली गई। और उसका एक मानना था कि मैं अच्छी क्वालिटी की शराब पीता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, या मैं आई विल बी ओके, और अभी तो मेरी उम्र भी कम है। तो कई बार उससे जिक्र हुई तो होता था, उससे बातचीत होती थी मेरी, तो मैं उसे कहता था कि भैया इतनी नहीं, मतलब यू शुड अवॉइड इट जितना हो सके। तो ही वॉज नॉट लिसनिंग, सुना नहीं उन्होंने, और वो मेडिकल कंडीशंस हुई उसके बाद। और कभी कोई अच्छी या बुरी क्वालिटी की शराब नहीं होती कि भैया हम तो स्कॉच पीते हैं और हम देसी ठर्रा पीते हैं, विस्की इज विस्की, उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई ब्रांड नहीं होता, ठीक है ना। ये धर्मेंद्र जी ने भी एक डायलॉग एक बार कहा था, एक किसी इंटरव्यू में मैंने उनका देखा था, कि जड़ी शराब होंगी है ना, वो कोई जात नहीं होती, कोई ब्रांड नहीं होता था, समथिंग लाइक दैट। सो या इन सब चीज़ों को नहीं जिक्र करते हुए, तो जब उसको ये मेडिकल कंडीशन डायग्नोस हुई आफ्टर लाइक, तो फिर उसने छोड़ी। जब उसको हिट लगा शरीर दिमाग में, ही वॉज लाइक कि अब तो मरूंगा भैया। वही मैं मेरी पिछली वीडियोस में जो मैंने जिक्र किया था कि मृत्यु का डर, वो मृत्यु का डर उसके अंदर आया, और प्लस कुछ घर परिवार में जो बाद में जो इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर एवरीबडी, के शायद ये 1 साल भी पूरा ना निकाल पाए अगर इसने दोबारा पीनी स्टार्ट की। तो ये देखिए, जब ऐसी न्यूज़ किसी के घर में पता लगती है, किसी के अपने के बारे में पता लगती है, अपने दोस्त के बारे में, तो बहुत बुरा लगता है, आदमी सिहर जाता है अंदर से। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ, उसने फिर क्विटेड, पर अंकल की डेथ होगी 2 साल के बाद, 2.5 साल ही उनकी पाए।
ही वॉज नो मोर. सो आंटी वॉज लाइक शी इज अलोन नाउ, शी इज अलोन. वो अब उनका जो समय है वो अकेला ही बीतेगा. देखिए मृत्यु किसी की कभी भी हो सकती है, एनी बडी कैन डाई एट एनी टाइम ऑफ एनी मोमेंट ऑफ टाइम. लेकिन अपने हाथ से कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देना, वो थोड़ा सा वी हैव टू थिंक अबाउट दैट. और बाकी दवाइयां, अगर जो छोड़ने के लिए दवाइयां हैं, जो मनोवैज्ञानिक तरीके और भी हैं, कुछ बातें हैं वो मेरी पिछली वीडियोस में हैं. अगर मेरी इन वीडियोस से आप लोगों को फ़ायदा होता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है. मेरा यही मकसद है कि एटलीस्ट इन वीडियोस के ज़रिए कोई अगर एक सिंगल इंसान भी, मैं बहुत बोलता हूँ इस चीज़ को कि अगर किसी एक सिंगल इंसान में भी इस बात का असर पड़ता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी. और बस बाकी आगे ठीक है भाई, टेक केयर.